तो आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर दो धमाकेदार इन्फॉर्मेशन लेके आओ जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बिग इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक बड़ी बिग अपडेट देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिजाब को लेकर कर्नाटक में कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी और उसी का फैसला कोर्ट में भी गया था। वहाँ की जो हाई कोर्ट है कर्नाटक की, वहाँ पे वो फैसला गया था और कई सारी याचिका भी मतलब दर्ज की गई थी। लेकिन ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसके अंदर साफ साफ कह दिया गया है कि आप हिजाब कॉलेज में पहन के नहीं जा सकते, वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। यानी कि सब बता दूँ, बैन कर दिया गया है कॉलेज में हिजाब को भी हाई कोर्ट की तरफ से। तो जो लोग भी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, आपसे बता दूँ आप सभी के लिए बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन है, आप कॉलेज के अंदर हिजाब पहन के नहीं जा सकते हैं। तो कैसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया ये सही है गलत है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो गई थी पहली इन्फॉर्मेशन आप सभी को। दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन दूँ कपिल शर्मा के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब से द कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, जब से कपिल शर्मा को टारगेट किया जा रहा है और विवादों में फंसाया जा रहा और उन पर एक इल्जाम लगाया जा रहा, आपने कश्मीर फाइल्स मूवी के जो कास्ट है उनको बुलाया नहीं, अपने शो पर प्रमोशन नहीं किया क्योंकि वो एक छोटी मूवी थी। लेकिन ये सारी बातें झूठ निकली, जिस तरह से लोग कपिल शर्मा पर इल्जाम लगा रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे कि आपने ऐसा किया, जबरदस्ती नहीं बुलाया इस मूवी के कास्ट को। तब सुधा दूँ, डायरेक्ट अनुपम खेर ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू देते हुए बोला है, उन्होंने बोला कि मुझे खुद कपिल शर्मा का कॉल आया था इस मूवी के प्रमोशन के लिए, लेकिन मैंने इस मना कर दिया वहाँ जाने के लिए क्योंकि ये जो शो है एक कॉमेडी शो है और जो मेरी मूवी एक सीरियस मूवी है। तो कैसे मैं आपसे बता दूं, जो भी कपिल शर्मा भी जो इस्लाम लगा रहे थे कि कपिल शर्मा ने जबरदस्ती इनको बुलाया नहीं छोटी मूवी होने के बाद, मतलब अलग अलग तरीके से उनको कॉन्ट्रोवर्सी में डालने की कोशिश कर रहे थे, आपसे बता दूं सारी बातें क्लियर हो गई और जो लोग उन पर बार बार इस्लाम लगा रहे थे उनके मुँह पर भी तमाचा बैठ गया है। तो इसमें कैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी, जबरदस्ती किसको भी भरा बोला बोलना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आखिर में आप सभी छोटी मोटी रिक्वेस्ट इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे।